कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई नहीं लड़ना चाहता है, कोई टांग खींचना चाहता है। बताओ कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो उद्घाटन का उद्घाटन करे, फिर उद्घाटन करे, तीन बार उद्घाटन एक चीज का करे, जो समाजवादी पार्टी का काम है। धरती पे सबसे जल्दी बदलने वाली कोई चीज है तो वो पुलिस है। 2022 के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी क्रम में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर निकले। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने विवेकानंद जयंती के दिन बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर किसान की बात नहीं मानी है, जो धरने पे बैठे आंदोलन में बैठे लोग हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब तो सभी कानून वापस ले लेने चाहिए। सरकार को तुरंत बिल वापस ले लेना चाहिए, तुरंत वापस ले लेना चाहिए। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वो बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। अगर MSP किसान मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो MSP दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। और कम से कम नौजवान, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरा देश मना रहा है, युवा मना रहे हैं, समाजवादी युवा घेरा के माध्यम से तमाम युवती नौजवान सब लोग बैठ कर के आज जो रास्ता दिखाया था विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन के सवाल पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इसका प्रोटोकॉल नहीं मालूम, इसका प्रोटोकॉल सरकार को तय करना है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि वो बताएं कि उन्हें बजट कितना मिला है। मुझे नहीं पता है कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, सरकार प्रोटोकॉल तय करेगी, लेकिन कम से कम सरकार ये बताए कि गरीबों को कब तक लग जाएगी वैक्सीन और हमारे गरीबों को फ्री कब तक वैक्सीन लगेगी, ये कम से कम सरकार को बताना चाहिए। मोदी जी की अपील पे आप लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है पहले सरकार ये बताए कि गरीबों को कब तक फ्री लगा देंगे। बनारस है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सोनभद्र है, भदोही है, जौनपुर है, बताओ बजट कितना मिला है, क्या बजट आ गया पर्याप्त, क्या जो स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर्स, उनको ट्रेनिंग हो गई। पहले तो ये सरकार बताए कि बजट का इंतज़ाम क्या है, वैक्सीन का रखरखाव का इंतज़ाम क्या है, क्योंकि विपक्ष ये सवाल करे तो जिम्मेदारी सरकार की है। वाराणसी के अलावा सपा अध्यक्ष जौनपुर भी गए। यहाँ उनकी बातों से ऐसा लगा कि उन्हें ओवैसी के यूपी आने से डर लगने लगा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई नहीं लड़ना चाहता है, कोई टांग खींचना चाहता है, लेकिन आप लोग चुनाव में मदद करना, क्योंकि आखिरी चुनाव है, याद रखना। वैसे तो हर बार हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है ये, लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूं जौनपुर के लोगों से, विकास तो हम लोगों ने बहुत किया है। ये जो एम्बुलेंस सड़क पे दिख रही है वो समाजवादी है, जो 100 नंबर वाली गाड़ी समाजवादी है। इस सरकार ने केवल नाम बदले हैं, रंग बदला है। बताओ कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो उद्घाटन का उद्घाटन करे, फिर उद्घाटन करे, तीन बार उद्घाटन एक चीज का करे, जो समाजवादी पार्टी का काम है। हालांकि इनको बहुत सुविधाएं दी हम लोगों ने, ये जो 100 नंबर वाली अब 112 हो गई, इतनी बड़ी सुविधा किसी ने नहीं दी, प्रमोशन भी किसी ने नहीं दिए, नौकरी भी आसान भर्ती कर दी थी, याद कीजिए, उतनी आसान भर्ती कभी नहीं हुई। तो नौकरी पुलिस में तो होगी होगी, लेकिन हम इतना ही कह करके जा रहे हैं आपसे कि धरती पे सबसे जल्दी बदलने वाली कोई चीज है तो वो पुलिस है। अभी आपको दौड़ा रही है, कल सबसे पहले आपको सलूट मारेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जौनपुर पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वाराणसी से रोशन जायसवाल, जौनपुर से राजकुमार सिंह के साथ यूपी तक।